सजनाइन नैनन में पलक ढाक तो हेलू दोस्तों आदाब। YouTube चैनल बंजारा बस्ती में आप सबका इस्तकबाल है और उम्मीद है आपकी सरपरस्ती इस चैनल को हमेशा हासिल रहेगी और आप इसे सब्सक्राइब करके हमारे हौसलों को हमेशा बुलंद रखेंगे। छाप तिलक सब छीन ली रे मौसे नैना मिलाई के हजरत अमीर खुसरो की शोहरा आफाक मनकबत है, जिसे आज से कमोबेश 750 बरस पहले अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर मुर्शिद महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए लिखा था। हज़रत अमीर खुसरो अपने दौर के नामवर सुखनवर थे और उन्हें अपने पीर मुर्शिद से बेहद मोहब्बत और अकीदत थी। जब भी महबूब इलाही बीमार होते, किसी बात को लेकर मायूस होते या किसी परेशानी से दो चार होते तो अमीर खुसरो से कुछ सुनाने के लिए कहते ताकि अफसुर्दगी रफा हो। अपने रूहानी उस्ताद के हुक्म की तामील में अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह फौरी तौर पर कुछ लिखते और पीर मुर्शिद की खिदमत में पेश कर देते। छाप तिलक अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का लाफानी और लासानी शाहकार है, जिसे मुख्तलिफ ज़बानों और बोलियों के संगम हिंदवी में लिखा गया है और जिसमें ख़ास तौर पर ब्रजभाषा और खड़ी बोली अपने जोबन पर नज़र आती हैं। अमीर खुसरो की मनकबतों, कव्वालियों, गीतों, पहेलियों, दोहों, रुबाइयों, कह मुकरनियों और उनके दिगर कलाम की वजह ही से उन्हें हिंदवी या उर्दू हिंदी का पहला शायर तस्लीम किया गया है और दूसरी जानिब फारसी ज़बान व अदब में भी उनका मकाम बुलंदोबाला है। अमीर खुसरो के इस आरिफाना कलाम को गुज़श्ता 7 सदियों में हज़ारों फ़नकार गा चुके हैं और सैकड़ों बार गा चुके हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। रूहानियत से लबरेज़ इस कलाम को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार आलिया में गाने की इब्तदा उनकी हयात ही में हो गई थी और आज भी हर रोज़ कव्वाल हज़रात इस कलाम को तरजीही बुनियादों पर गाते हैं। महफिल समाह या महफिल कव्वाली के सदियों पुराने गुलकारों और फ़नकारों का रिकॉर्ड तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में रेडियो और टेलीविज़न की आमद के बाद का सारा रिकॉर्ड बआसानी देखा जा सकता है। इन दोनों इदारों के अलावा ज़राए अबलाग के दीगर शोबों मसलन वीडियो फिल्मों, सीडीज़, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह को खंगालें तो उन सैकड़ों फ़नकारों की मुसद्दका फहरिस्त तैयार हो जाती है जिन्होंने छाप तिलक को अपने अपने अंदाज में 20 बार पेश किया है। हज़रत अमीर खुसरो गंगा जमनी तहजीब के दराज कद अलमबरदार, हिंदू मुस्लिम इत्तहाद के नकीब, उस्तादो शागिर्द के अटूट और मुकद्दस रिश्तों की अजीम मिसाल और रूहानियत व मार्फत के रोशन आफ्ताब व महताब थे। यही वजह है कि छाप तिलक को सूफी संतों के दरबार में यकसां मकबूलियत हासिल हुई और हर दौर में हर धर्म, हर मजहब और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों ने इसे अपने मन की आवाज़ समझा। किसी ने इसे तसव्वुफ़ की सूरत में अपनाया और किसी ने इसे भक्ति के रूप में कबूल किया। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के इस कलाम लतीफ़ का मौसीकी के तयशुदा ज़ाब्तों से बड़ा गहरा रिश्ता है। मौसीकी के सभी आलात से दोस्ती है और सरगम से एक अटूट ताल्लुक है। इसे कव्वाली की सूरत में गाइए या गीत की सूरत में, या फिर इसे क्लासिकी रागों मसलन दादरा, ठुमरी, भैरवी, जयवंती, जोग, मेघमल्हार और तोड़ी में गाइए, या फिर वेस्टर्न स्टाइल में गाइए, सूफियाना कलाम या भजन कीर्तन के तौर पर गाइए। इस कलाम के अल्फाज हर राग और म्यूज़िक कंपोजिशन के हर हर अंदाज पर फिट बैठते हैं। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अंदाज पेश किए गए हैं।
اس ویڈیو کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے فنکاروں کو آپ دیکھ سکیں کہ انہوں نے چھاپ تلک کو کس کس رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر خسرو کی زندگی اور ان کی فکر اور فن پر ایک ویڈیو الگ سے تیار کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کو ترجیح دیں گے تاکہ ہر ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبتوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور اب آپ دیکھیے حضرت امیر خسرو کے اس عارفانہ کلام کی پیشکش کے چند خوبصورت انداز۔ چھاپ تلک سب چھینی رے مجھ سے نینا ملا کے، چھاپ تلک سب چھینی رے مجھ سے نینا ملا کے، 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 چھاپ تلک سب چھینی رے مجھ سے نینا ملا کے۔ خسرو نجام کے بل بل جئیے، خسرو نجام کے بل 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 جئیے، خسرو نجام کے بل بل ہم مور بل 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 موہ سو ہم اسے نہ ملے۔